दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी से रिगार्डिंग। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है हर एक स्टेट के लिए जो है अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप जिस स्टेट में आते हैं तो आपको उस स्टेट के लिए फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी जो कंडीशंस हैं, सैलरी वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है सेम है। तो दिखा देता हूँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये जो है इसका नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो इंदौरात्मक कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, इसमें जो है वैकेंसी निकल रखी है। तो ये जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोस्तों इसका मध्य प्रदेश में है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, इन सब के लिए अलग अलग आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी आ रखी है। यहाँ पे 32 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो मध्य प्रदेश जो इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है मध्य प्रदेश है, इसमें जो है जनरल्स की 5 सीट, EWS के लिए 1 सीट, OBC के लिए 3 सीट, SC के लिए 2 सीट और ST कैटेगरी के लिए 1 सीट यहाँ पर आई हुई है। देन दोस्तों अगर बात की जाए अदर स्टेट, तो यहाँ पे अदर स्टेट की बात की जाए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो यूपी वाला स्टेट है वो, अगर उसके बात की जाए उत्तर प्रदेश में इसका जो जॉब लोकेशन है उसके लिए 48 वैकेंसी है। आसाम के लिए 24 वैकेंसी टोटल। मध्य प्रदेश के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताया 12 वैकेंसी है। गुजरात में 36 वैकेंसी है। राजस्थान में दोस्तों 24, जम्मू कश्मीर में 48 सीट यहाँ पर आई हुई है। इसी तरह दोस्तों दिल्ली की बात की जाए तो 12 सीट यहाँ पर जो है दिल्ली में प्लेस ऑफ पोस्टिंग 12 सीट के लिए होगी। और पंजाब में जो है दोस्तों 64, जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों पंजाब में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये जो है स्टेट वाइज जो है यहाँ पे वैकेंसी है। देन दोस्तों यहाँ पे जो बात किया जाए दोस्तों इसका नोटिफिकेशन के लिए, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप जो है वहाँ से जाके इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसमें जो है आपका BTech इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जनरल्स, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 60% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपके परसेंटेज, मतलब जो आपका BTech का परसेंटेज है और एक्सपीरियंस के बेसिस जो है सिलेक्शन होगा। मिनिमम जो है 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, IT नेटवर्किंग, डाटा सेंटर में, इन सब में जो है आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रहेगा। देन दोस्तों यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे कितनी सैलरी रखी जाएगी, तो दोस्तों इनिशियली जो है आपको ये जॉब जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रखा गया है। तो पहले साल दोस्तों यहाँ पे 40,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, और दूसरे साल दोस्तों यहाँ पे 45,000 पर मंथ, और तीसरे साल जो है यहाँ पे 50,000 के लगभग यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का जो है यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पे सैलरी स्कीम रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों मैंने आपको बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कितना एज लिमिट रखा गया है। देन दोस्तों यहाँ पे जॉब लिमिट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह भी दे रखी है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया BTech के मार्क्स के बेसिस पे जो है यहाँ पे 75% जो है इसका वेटेज दिया जाएगा, और दोस्तों अगर आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पे 10% दिया जाएगा, और 10-15% दोस्तों आपका जो वेटेज है वो इंटरव्यू के बेसिस पे जो यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जॉब लोकेशन तो मैंने आपको बताया हर एक स्टेट के लिए अलग अलग जॉब लोकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अलग अलग यहाँ पर वेरी कर रही है। देन दोस्तों कैसे अप्लाई करना है और क्या इंपॉर्टेंट डेट है, तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों 5 मई 2021 रखी गई है। 5 मई से पहले जो है आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। लिंक आपको quicktechd.com ये वेबसाइट है दोस्तों, आप उस वेबसाइट पर जाइए तो लिंक आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जो है वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्तर प्रदेश के लिए ओपन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टेप 1 स्टेप 2 है। पहले जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नाउ में जो है क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाएगी आपको जो है वो फिलअप करके आप फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो बहुत ही सुना है दोस्तों यहाँ पर मौका आया हुआ है, अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप और भी बहुत सारी वैकेंसीज देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप जो है हमारे चैनल में और भी ढेर सारी वैकेंसीज अपलोड हैं, आप जो है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।